आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और गाड़ी को गर्म होने से बचाएगा। ऐसे जेसीबी बहुत स्मूथ चलता है, ग्रीस का लाइफ अच्छा रहता है, धूप करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो आप सभी लोग को आज बताने वाले हैं जेसीबी किस तरह से वॉश किया जाता है। जेसीबी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो आज इसे वॉश करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको दिखाने वाले हैं कि जेसीबी किस तरह से वॉश किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जेसीबी वॉश किया जा रहा है, धुलाई किया जा रहा है जेसीबी को। तो जेसीबी को जैकअप करेंगे और जेसीबी को थोड़ा ऊपर लेंगे कि नीचे से भी हम वॉश कर सकें, नीचे से भी धुलाई जेसीबी को कर सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं जेसीबी को अभी अब ऊपर थोड़ा और लेंगे हम। थोड़ा ऊपर लो, ऊपर लो। तो देख सकते हैं जेसीबी ऊपर उठ चुका है और जेसीबी को वॉशिंग स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं कितना जेसीबी गंदा हो चुका है। तो जेसीबी को वॉशिंग किया जा रहा है। जेसीबी का केबिन में बहुत ज़्यादा धूल जम गया था, तो देख सकते हैं धुलाई किया जा रहा है। अब हम बॉकेट को नीचे लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं बॉकेट नीचे आ चुका है, अब धुलाई करने में आसान होगा। जेसीबी को देख सकते हैं खुद से वॉशिंग किया जा रहा है और वॉशिंग करने में आप ध्यान जरूर रखें कि रेडी वाटर को धुलाई जरूर करवाएं। उससे होगा कि जितना भी रेडी वाटर में जमा होगा कचरा वो निकल जाएगा, आपका गाड़ी गर्म होने से बचाएगा। तो रेडी वाटर में पानी हल्का प्रेशर से रेडी वाटर में पानी जरूर मरवाएं। देख सकते हैं रेडी वाटर जाली खोल दिया गया है और देख सकते हैं कितना कचरा है पूरा भरा हुआ। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल रेडी वाटर है, उसके बाद इंजन का रेडी वाटर है जो कि बहुत ज़्यादा कचरा भर चुका है, तो पानी मारने से निकल जाएगा। तो गाड़ी गर्म नहीं होगा। बोनट खोल के अंदर भारे मारो तो बाहर भारे जितना भी कचरा है सब बाहर भाग बिक देगा, ठीक नहीं? बाहर से मारेगा तो अंदर घुस जाएगा, इसलिए अंदर से मारो, बाहर कचरा जितना भी होगा सब निकल जाएगा। देख सकते हैं बोनट खोला गया है। अब रेडी वाटर में पानी मारा जा रहा है, देख सकते हैं। रेडी वाटर में अंदर से पानी मरवाएं, बाहर कचरा जितना भी कचरा होता है सब बाहर निकल जाता है। अंदर से रेडी वाटर में पानी जरूर मरवाएं, इस तरह से बाहर जितना भी रेडी वाटर में कचरा जमा होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। जाली जो रेडी वाटर की जाली होता है उसमें कचरा टान लेता है, तो घींच लेता है, तो रेडी वाटर जाम हो जाता है जाली उसका, तो इंजन गर्म होने लगता है। तो रेडी वाटर में जब भी वॉश करवाएं तो रेडी वाटर में पानी जरूर से जरूर मरवाएं, उससे आपका रेडी वाटर साफ रहेगा
और गाड़ी को गर्म होने से बचाएगा। समय समय पे वाशिंग करना जेसीबी का बहुत ज़रूरी है। वाशिंग करने से जेसीबी बहुत स्मूथ चलता है और इसमें नेपल ग्रीसिंग वाशिंग के बाद जब होता है तो ग्रीस भी बहुत अच्छा रहता है, ग्रीस का लाइफ अच्छा रहता है, धूल मिट्टी जो होता है निकल जाता है तो ग्रीस जो होता है प्रॉपर अच्छा होता है, अच्छा जाता है अंदर, तो आपका पिन बूश का टिकाऊ होता है। इसलिए वाशिंग करके ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। वाशिंग करने से जितना भी आपका धूल मिट्टी है लगा हुआ सब निकल जाता है और ग्रीस भी जो चिपका हुआ रहता है पूरा गिन्हा जाता है ग्रीस से गाड़ी, वो आपका थोड़ा डीजल मार देने से वो धुला जाता है। ऐसे पानी से सिर्फ नहीं धुला पाता है तो हल्का डीजल मार दें, उससे क्या होता है चिकनापन जो होता है ग्रीस का वो ख़त्म होकर के ग्रीस धुला जाता है, क्लीन बहुत अच्छा होता है डीजल मार देने से। डीजल मारने के बाद पानी से धुलाई करें। ये जेसीबी को कोई सर्विस सेंटर ले जा करके वाशिंग सेंटर ले जा करके वाशिंग नहीं कराया जा रहा, खुद से वाशिंग किया जा रहा है, तो आप सभी को दिखा रहे हैं कि खुद से किस तरह से वाशिंग करना है। देख सकते हैं अंदर कितना गंदा है। कारण जेसीबी को घुमाया जा रहा है, एक साइड का धुलाई हो चुका है, दूसरे साइड धुलाई होना बाकी है, तो जेसीबी को देख सकते हैं घुमाया जा रहा है। तो इसे बोनट को लगा दिया जा रहा है, बोनट लग चुका है, अब आगे का जाली लगा दिया जा रहा है। तो जाली लग चुका है और जेसीबी वाशिंग हो चुका है, देखिए चकाचक हो चुका है जेसीबी, गंदा हो गया था तो वाशिंग इसको कर दिया गया है। आप सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।